मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज सुखनल सातवां नर आता है और आज मेरा और मोटू का फास्ट भी है। उठ गए सुबह, पूजा कर ली, अभी बोने हो गए, फटाफट जाती हूँ लॉगिन करने आरती लगा के। और कल अष्टमी है प्यारी प्यारी कंच के, तो सुबह कंच के बिठाएंगे हमारे घर में। यूजुअली बैंगलोर में कंच के मतलब किसी को इतना पता नहीं है कि क्या है, मतलब अक्टूबर नवंबर के जो नवरात्र आते हैं सितंबर अक्टूबर के, तो वो यहाँ पर ज़्यादा मनाते हैं, ये वाले नहीं। तो हमारे घर में तो जब से हम बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं, हमारी प्यारी इक्षु आती है, दीदी की बेटी है, सो वो आएगी सुबह। तो कल देखते हैं सुबह, आई थिंक 4:30 उठाएंगे और प्रसाद रेडी कर देंगे क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है। तो बस वही है, अभी जल्दी जल्दी जाते हैं, लॉग इन करते हैं, लेट हो रहे हैं, आरती लगा के मैं भाग रही हूँ। मिलते हैं आपसे बाद में, हैप्पी नवरात्रि। सो हाय फ्रेंड्स, आ गया हमारा न्यू, ये तो पुराना है न्यू क्रॉम्पटन का कूलर, जो कि बहुत मस्त दिख रहा है। इसके फ्लैप्स पूरे डाउन हो जाते हैं, सबसे बेस्ट चीज है, कुछ अंदर घुसेगा भी नहीं, डस्ट नहीं आएगा। और इसके हनी कॉम के वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, पैड्स, और ये एकदम कितना इजी कुछ कुछ डैमेज तो नहीं दिख रहा था, ये 40 लीटर्स का है। और ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, जो हमें पड़ा 6500 का। यूजुअली बैंगलोर में भी आजकल बहुत गर्मी हो गई, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। देखिए इसके पीछे हनी कॉप के पैड, और सबसे अच्छी क्या है मोटू, पीछे दिखा एक मिनट, पीछे पीछे ना सबसे अच्छा चीज़ क्या, जाली लगी हुई है, तो इसमें कोई मच्छर डस्ट या कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। और नीचे ये वाटर इसके लिए ये है, वाटर आउट के लिए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है गोल गोल वाला। हाँ, सो अच्छी चीज़ है, दे और लाइट वेट है ना मोटे, अच्छा लग रहा है यार। और ये ऊपर बटन क्या क्या है, ओके ऑफ हाई, ये पानी करने के, भरू पानी, पहले एक बार ऐसे चला के देख ले बिना पंप के ना, इतना फूकेगा नहीं, नहीं नहीं, पंप चलेगा तो वो पानी के बिना फूकता रहेगा, तो सिर्फ स्विंग में रखेगा तो कुछ नहीं होगा। जय माता दी बोल, जय माता दी। क्या करना है अभी, ऑफ ये ऊपर फ्लैप इधर ऊपर कर, हाँ ये करना है, और वो स्विंग पे है, देखते हैं। और स्विंग देखियो, स्विंग चल रहा है इसका, सिर्फ स्विंग करियो, स्विंग नहीं है सिर्फ, दिखाइयो पंप पे मत कर, स्विंग पे कर, पता नहीं चल रहा, हवा तो अच्छी आ रही है ना, ये नहीं सही, पानी डाल मान लेगा। हाँ बट यहाँ तक इतनी दूर से हवा आ रही है, बट साउंड है थोड़ा, बट चलो अभी पानी डाल के देखते हैं। साउंड था इसका मोटे, बट थोड़ी प्लास्टिक की स्मेल पे उन्होंने बोला शायद आएगी, स्टार्टिंग में आएगी, बट इसको पाइप से भर देगा है ना। चलो हमारा नया कूलर आ गया फाइनली, अभी मोटू ने पानी भर दिया है और अभी इसमें डल रही है आइस, देखते हैं कितना ठंडा हवा फेंकता है, मजा आ रहा देखने में, मोटे क्यूट सा है बहुत। ये है क्रॉम्पटन का मार्बल नियो 40। एसी की नहीं जरूरत नहीं, हाँ बैंगलोर में एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कूलर भी हमने 8 साल में पहली बार लिया, थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, मस्त ठंडी हवा आनी शुरू हो गई, रूम ठंडा हो जाएगा मोटे। हाँ अभी हो गया लंच ब्रेक, इतनी भूख लग रही थी, और व्रत है अभी आलू गरम कर रही हूँ, मोटू बना के गया था आज, और दही डाल दिया, बस खाती हूँ, दुकान ही जा रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी। तो आज हमारा है फास्ट, आखिरी नवरात्र हमारा, यहाँ पूछते हैं मस्त में, तो मोटी बना रही है, क्या बोलते हैं मोटी इसको, तो
कुट्टू के आटे की टिक्की। हाँ, कुट्टू के आटे की टिक्की और वो आलू और ये पनीर। तो ये हमारा फास्ट है, मतलब फास्ट फास्ट खाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग घर में फास्ट में क्या खाते हैं। कहीं की काली मिर्च होती है, कहीं की लाल मिर्च होती है। हमारे यहाँ पर लाल मिर्च यूज होती है। तो आप लोग यहाँ क्या यूज होता है, क्या खाते हो फास्ट में, कमेंट करके जरूर बताना प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ थोड़ा आपको प्रोसेस, थोड़ा बहुत जितना हो सके। सो ये मुठ ने लिया आटा, कुट्टू का आटा, इसमें मिलाया, इसमें मिलाया इसमें मूली, आलू जो हमने दिन में बनाए थे उसके बचे हुए आलू थे, फास्ट के थे आलू, आलू थोड़े मिक्स किए इसमें, और क्या हो गया, ढीला हो गया, नमक छोड़ रहा होगा ना। और साथ में इसमें मिलाया मुठी ने लाल मिर्च थोड़ी और सेंधे नमक थोड़ा मिलाया। तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं हमारे, ये देखिए वी आर ऑन डाइट, व्रत है आज, ठीक है, व्रत वाला दिन चलता है ये। हाँ, ये व्रत की डाइट है हमारी। ये देखिए एकदम मस्त लग रहा पनीर, आपको दिखा सकता हूँ मैं, खोल लीजिए, मैंने आपको और दिखाता हूँ, रुको 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 दिखाता हूँ। ये देखिए दिस इज कॉल्ड हाई प्रोटीन डाइट। ये लिए मैंने 100 ग्राम क्या बोलते हैं पनीर, इसे मुझे काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा, केसिन प्रोटीन। और ये है मेरा दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटीन। चल बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, खाते मिलते खाते। तो ये रहा मेरा फाइनली डिनर, मतलब प्रसाद। ये रहा मेरा पनीर, टिक्की, मोटी का कर्ड और ये टिक्की, आलू और ये रहा बड़ा आलू।